नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। राजस्थान बीजेपी ने 2.5 घंटे में बदला बड़ा फैसला, जन आक्रोश रैली स्थगित की। जानिए फिर पूनिया क्या बोले। चीन में फैल रहे कोरोना संक्रमण ने दुनिया भर को चिंता में डाल दिया है। इसी को देखते हुए राजस्थान में बीजेपी ने गुरुवार को 3:04 पर बड़े फैसले लेते हुए जन आक्रोश रैली को स्थगित कर दिया। हालांकि 2.5 घंटे बाद ही पार्टी ने फैसले को बदल दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने 3:04 पर ट्वीट करते हुए कहा, दुनिया में कोरोना फिर से अपने पैर पसार रहा है, ऐसे में हमने फिलहाल जन आक्रोश यात्रा को रोक दिया है। भविष्य में नई रणनीति के तहत फिर से कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ बीजेपी लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज को बुलंद करेगी। फिलहाल केंद्र सरकार के निर्देश की वजह से हमने यात्रा को स्थगित कर दिया है। पूनिया ने फिर शाम 5:38 पर वीडियो जारी कर कहा, फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोरोना को लेकर कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है, ऐसे में यात्रा को स्थगित करने को लेकर कुछ असमंजस था। फिलहाल यात्रा को स्थगित नहीं करने का फैसला किया गया है, हमारी जन आक्रोश यात्रा जारी रहेगी। हालांकि यात्रा के दौरान होने वाली सभाओं में कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जाएगा। वहीं यात्रा को तब तक स्थगित नहीं किया जाएगा जब तक केंद्र और राज्य की कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो जाती। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने 2:00 दिल्ली में मीडिया से जन आक्रोश यात्रा को स्थगित करने की बात कही थी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी कार्यकर्ताओं को कोरोना से बचाने की नसीहत देते हुए भीड़ इकट्ठा नहीं करने की बात कही। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।